एक मार्च को धनबाद में उस वक्त इतिहास रचा जाएगा जब पीएम मोदी हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के नवनिर्मित प्लांट का विधिवत उद्घाटन करेंगे। मोदी प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे प्रधानमंत्री होंगे जो सिंदरी में उर्वरक कारखाना का उद्घाटन करेंगे। हर्ल के जीएम शिव प्रसाद मोहंती ने मीडिया से बात की और पीएम के कार्यक्रम से जुड़े जानकारियों को साझा किया। उन्होंने बताया कि हर्ल 12,70,000 टन यूरिया प्रत्येक वर्ष उत्पादित करेगी। फिलहाल के वक्त 10 लाख उत्पादन शुरू हो गया है। देश की सभी उर्वरक कारखाना जिससे तालचर यूनिट अगर शुरू हो जाए तो 2025 तक भारत यूरिया उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा। हर निम कोटेड यूरिया का उत्पादन कर रही है जो देश के कृषि संबंधित जरूरतों को भी पूरा करेगा। चुका है, तालचर अभी काम पे है तो 2025 तक तालचर आ जाएगा तो 2025 तक देश जो है आत्मनिर्भर हो जाएगा। आयत जो यूरिया आयत है वो करीबन करीबन ना के बराबर पहुंच जाएगा। 2014 में जब भी प्रधानमंत्री आए थे उसके बाद 16 तक उन्होंने सारा प्लांट को नीम कोटेड यूरिया में कन्वर्ट कर दिया था। तो अभी सारे प्लांट से देश में जितना भी यूरिया प्लांट है सारे लोग नीम कोटेड ही बनाते हैं। जब भी कोई भी प्लांट किसी जगह पर आता है प्लांट अकेला नहीं चलता है, एक सामूहिक विकास तो होता ही है। और मैं 100% श्योर हूँ कि आप देश में जहाँ जहाँ प्लांट लगाया, हमने गोरखपुर में भी प्लांट चल रहा है, बरौनी भी चल रहा है, सिंदरी भी चल रहा है यहाँ पे, तो जरूर मैं आ चुका है। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। और खबर धनबाद से है जहां आजसू के कार्यकर्ताओं ने रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया है। आपको बता दें कि आजसू पार्टी के केंद्रीय सदस्य मनीष सिंह के मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग को लेकर, निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर यह धरना दिया गया है। धरना में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष मंटू महतो शामिल हुए। उन्होंने मौके पर कहा कि धरनार्थियों ने मौके पर कहा कि पार्टी के केंद्रीय सदस्य मनीष सिंह पर SC ST का झूठा मुकदमा दर्ज करने के विरुद्ध और निष्पक्ष जांच की मांग इस धरना के माध्यम से की जा रही है। ये अपना समय देते हैं, सुबह शाम बैठते हैं लड़कों के लेकर के, उस आज को हेल्प डेस्क टीम का जो काम है कि कहीं भी किसी तरह का कोई आपदा या किसी तरह कोई परिस्थिति घटना दुर्घटना अगर हो जाती है तो आजसू का लड़का उसको हेल्प में वहाँ पे पहुँचना, उसको ज़्यादा ज़्यादा मदद करना है। मनीष जी भी टेम्पो ड्राइवर और क्या वहाँ का जो गमला जमला या प्रशासन के लोग नहीं सुनते हैं तो हम लोग को रोड में उतर कर उनको जानकारी देने के लिए हम लोग उतरते हैं। आज भी पिछले बार की तरह, आज भी पिछले बार धीरज दुनिया कांड में उसको न्याय नहीं मिला तो हम लोगों ने सड़क पर आया है और आज का बात ऐसा बताया जा रहा है कि एक मनीष सिंह जो आज सुबह सामाजिक घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।